जैसे कि उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आईआर का रेंज इंफ्रारेड कैमरे का वीवी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि अभी घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य है। The S200s performing normally and on your screens on the red is the plant trajectory and the blinking dots are the current position of the vehicle. We are about 1 minute 22 seconds into the launch. The S200 developed a total thrust of nearly 6000 kilonewtons and they are तो अपनी चंद्र यात्रा पर निकल चुका है हमारा बाहुबली। और ये देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस पल की जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था और मुझे लगता है आज हर भारतवासी हर देशवासी वही महसूस कर रहा है जो हम सब महसूस कर रहे हैं, वो गर्व का क्षण आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, और बस अब इंतजार है कि हर स्टेज को सही तरीके से पार कर ले। अगले 15 मिनट भी बहुत अहमियत रखते हैं। 15 से 16 मिनट बाद पूरी तरह से जो जो उनके स्टेजेस हैं उसको पार करते हुए अपने आप खुद फिर चक्कर लगाना शुरू कर देगा चंद्रयान भारत के। फीड आई है उसमें डिटैच होते हुए After 10 seconds after the S200 separation, the vehicle is now under closed loop guidance. The L110 performance is normal. The L110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों S200 रॉकेट मुख्य रॉकेट से कैसे अलग हुए हैं उसका एक VLM दृश्य आपके सामने आ रहा है। The onboard cameras capture the S200 separation. जैसा कि आपने देखा जब S200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको वक्त करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट और नीचे में 3 रॉकेट जिनका की थ्रस्ट अलग अलग है उसने मेन रॉकेट से सेपरेशन विल टेक प्लेस एंड अगेन यू फ्रॉम आवर वीडियोस ऑन बोर्ड यू विल बी एबल टू सी रिएक्शन सेपरेशन फ्रॉम द व्हीकल। अभी आपकी स्क्रीन पे हीट शील्ड जो मुख्य रॉकेट से अलग हुआ उसका दृश्य आपने देखा। Beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle.